हेलो हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे होंगे? मस्त होंगे और खुश होंगे। चलो आज के सेशन को स्टार्ट करते, आज के दिन की शुरुआत करते। देखिए बच्चों, हर दिन हमारा एक नया स्टेप होता है हमारी लाइफ का। एक ऐसा दिन जो पूरा ब्लैंक होता है और उसको हमने को हैप्पीनेस से भरना है। और वो हैप्पीनेस कब आएगी? जब हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, मन लगा के पढ़ाई करेंगे, गर्मियों के अंदर आराम से बैठ के पढ़ना। अब तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है इन छुट्टियों में बैठ के, तुम्हें केवल पढ़ना ही है ना। यूं नहीं तुम लोग मस्ती मारने घूमने चले जाओ। अरे भाई, क्लास 12 का रिजल्ट जब तुम देखो तो तुम्हारी भी फोटो उनकी तरह होनी चाहिए, जो पिछली साल आप जब होंगे अगली साल, तो पिछले साल जिनका रिजल्ट था उनसे कंपैरिजन करोगे, देखोगे कि उस स्कूल की बच्ची राजस्थान में सेकंड आ गई थी, है ना। समझ रहे हो ना क्या कहना चाहता हूं? तो आप भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करिए और दिल लगा के मेहनत करिए। जब तक मेहनत नहीं करोगे ना, कुछ नहीं मिलेगा, ये मैं कह देता हूं। ये पसीना यहां से निकल कर नीचे तक टपकता रहे, इतने मेहनत में मगन हो जाओ कि तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं। अगर रोकने वाला कोई इंसान है तो वो कौन है रे? तुम खुद हो। चल स्टार्ट करें, चलो आगे सब लोग। ओहो, आज आप भी आए हो क्या? स्वागत स्वागत, वेलकम। कैसे हो? बढ़िया हो सब? अरे आज तो झिंगुर रेडी रेडी होकर कैसे आया? क्या बात है, बर्थडे अडे क्या है आज? अच्छा सर, बर्थडे बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जिस का भी बर्थडे हो तो उनको तहे दिल से शुभकामनाएं। देखिए, ये यहाँ पर कोई बच्चे नहीं बैठे, मैं एक फील दिलाना चाहता हूँ कि हम लोग जो ऑफलाइन क्लास की तरह ही चला रहे, तो किसी न किसी का तो बर्थडे होगा ना आज के दिन। है, इस दुनिया में कितने लोग हैं, किसी न किसी का तो बर्थडे होगा। तो जिसका भी बर्थडे हो आज, हाँ तेरा ही है असमत, तो तेरे को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिलेक्शन करवा और पढ़ाई करवा, ठीक है ना। पढ़ाई कर और अच्छे नंबर ला के सेलेक्ट हो जा, ठीक है ना। यही तेरा बर्थडे गिफ्ट है सर। बर्थडे गिफ्ट? क्या बर्थडे गिफ्ट? यही है कि तू सिलेक्शन करवा के अपनी लाइफ को अच्छा कर ले, यही तेरा होगा, समझ गए। चलो आ जाओ। लास्ट कल गुलाम सलो पे खत्म किया था, एक बार गुलाम सलो भी रिवाइज करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले 3 होमवर्क के क्वेश्चन रह गए थे कल, है ना। उस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कल जो क्वेश्चन था वो इस तरीके से था कि हमारे पास में एक बॉडी है, ठीक है। उस बॉडी पे चार्ज कितना है? 9.6 × 10⁻²⁰ कूलम। क्या कहा? हमारे पास में एक बॉडी है 9.6 × 10⁻²⁰ कूलम इट इज। इस पे क्या चार्ज पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल, ही आपको बताना है। चलो ट्राई करोगे? चलो करो, जल्दी से करो करो करो, 1 मिनट का टाइम, ज्यादा टाइम नहीं देने वाला हूं, जल्दी से कर लो, 1 मिनट का समय है बेटा, जल्दी कर। कॉपी निकाल भाई, क्या कर रहा है बैठे बैठे, सॉल्व कर इसको। क्या सॉल्व नहीं हो रहा है? फॉर्मूला लिखा था क्यू बराबर एनी, लिखवाया था ना, जहां क्यू क्या था? चार्ज ट्रांसफर, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है। एन क्या था? कि कितने चार्ज गए होंगे, नंबर ऑफ चार्ज ट्रांसफर, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। और ई क्या था? इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, वैल्यू रख दे। एन निकाल सबसे पहले, क्या यहाँ पे एन इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये चेक कर बेटा। क्या कहा? यहाँ पे एन का मान इंटीजर आ रहा है या नहीं आ रहा है ये तेरे को चेक करना है। एन बराबर क्यू अपॉन ई कर ले, ठीक है। और क्यू का मान तेरे को डाटा के अंदर गिवन है, ई का मान तेरे को पता है 1.6 × 10⁻¹⁹, सॉल्व कर ले बस। तो क्यू बराबर एनी लगा देना, एन बराबर क्यू अपॉन। होमवर्क क्वेश्चन है तो सिर्फ इसका आंसर बताऊंगा कौन सा होगा, मैं करके नहीं दूंगा, ध्यान रखना। होमवर्क क्वेश्चन हमेशा खुद का क्वेश्चन होता है, तो इसके अंदर आप करोगे क्यू बराबर एनी लगा दोगे तो यहां से इसका जो आंसर आएगा वो नॉट पॉसिबल आएगा। नॉट पॉसिबल का मतलब यहां पे एन जो है वो इंटीजर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। सर करवा ही दो ना। चलो भाई देखो कैसे होगा, एन बराबर क्यू
क्या हुआ बेटा, ध्यान से देखना, ये 6 से डिवाइड हो गया, 6 बढ़ जाएगा ना, 6 मल्टीप्लाई ये पावर ऊपर चले गई 10 to the power -20 + 19, तो कितना आ गया रे, 6 × 10 to the power -1, 6/10 और 1, यानी कि 6/10 हो गया। 6/10 को क्या कहेंगे, 0.6। क्या ये वैल्यू इंटीजर है क्या? नहीं है। अगर वैल्यू इंटीजर नहीं है तो ये चार्ज पॉसिबल होगा क्या? तो ये वाला चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। आई बच्चों बात समझ मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि यहाँ पे चार्ज पॉसिबल है या नहीं है, तो उस केस में आपको एन निकालना है क्यू बराबर एन ई से, और जो हमारा एन आता है वो इंटीजर वैल्यू देता है, तो वहां का चार्ज पॉसिबल होगा। क्या होगा? वहां का चार्ज पॉसिबल होगा, अन्यथा वह चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। अरे आई बात समझ में बच्चों? चलो अब नेक्स्ट चीज देखो, अगला क्वेश्चन देखो बेटा। एक क्वेश्चन सोल्व करके दे दिया, अगला नहीं दूंगा, ध्यान रखना अच्छे से दिमाग के अंदर। सेम चीज बोला है, एक बॉडी पे 6.4 × 10⁻¹⁹ कूलम चार्ज है, कितना है, 6.4 × 10⁻¹⁹ कूलम चार्ज है, और आपको बताना है कि ये वाला चार्ज पॉसिबल है या नहीं है। तो आई थिंक ये वाला चार्ज पॉसिबल होगा, क्यों? क्योंकि 10⁻¹⁹ से 10⁻¹⁹ कैंसिल हो जाएगा, और 6.4 को डिवाइड करोगे 1.4 से, तो कितना आ जाएगा, 4, और 4 कैसा नंबर है, इंटीजर नंबर है, कैसा है, इंटीजर नंबर। चलो आज क्या दिक्कत हो रही है भाई, क्यों नहीं चल रहा? तो अच्छा चल, कैसे दे बताएंगे, घबराओ मत, छोटी से छोटी चीज तुम्हें नहीं समझ में आएंगी ना तो मैं बताऊंगा, ठीक है, घबरा मत। 6.4 क्यू का मान कितना देर का है, रख सर 6.4 × 10⁻¹⁹ देर का है। ओके बेटा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बच्चों, 1.6 × 10⁻¹⁹ से कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया रे, 4, और 4 कैसा नंबर है, इंटीजर है नॉन इंटीजर, ये एक इंटीजर नंबर है, इंटीजर में समझ जाना सिंगल डिजिट का नंबर होना चाहिए, कोई भी पॉइंट में या डेसिमल में वैल्यूज नहीं आनी चाहिए। आया समझ में क्वेश्चन, अच्छे से दिमाग में फिट हो गया? चलो बहुत बढ़िया, इस पे ना तू और घर जाके क्वेश्चन करना, समझा, डीपी भी दे रखी है, और आज जो है वो मैं तुम्हारी मॉड्यूल डाल दूंगा, कल भी भूल गया था, आज मैं 100% डाल दूंगा, जब क्लास खत्म होगी ना उसी समय आपके सामने ही डाल के मैं आपको बता दूंगा। चलो ये अच्छा सवाल था बेटा, ये खुद सही करोगे, मैं करवाऊंगा नहीं, क्वेश्चन समझाऊंगा क्यों। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी रिमूव फ्रॉम द ग्लास रॉड इन ऑर्डर दैट इट एक्वायर ए चार्ज ऑफ 1 μC, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए उस बॉडी पे 1 μC चार्ज ट्रांसफर हो जाए, यानी इस बार Q का मान दे रखा है, इसका मान दे रखा है Q का, तो करना है, हो जाएगा Q बराबर एनी से कर लेना, सीधा सीधा हो जाएगा, और ये मैंने आपको करवा भी रखा है, पता है ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले थ्योरी में भी करवा रखा है, और इसका आंसर भी फिक्स ही होता है, ठीक है, कौन सा होता है, 6.25 वाला होता है, ध्यान रखना। आज इसके अंदर दिक्कत क्या आ रही है, ये तो आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, चलो हो तो गए ना, तीनों सवाल हो गए ना, चलो तो तीनों क्वेश्चन होमवर्क वाले करवा दिए थे, अब आप चले जाओ साइड में, मेरे को आपकी जरूरत नहीं है, आपकी भी नहीं है, अच्छा आप नहीं जाओगे ना, मूड बना लिया नहीं जाने का, ठीक है भाई मत जाओ। आप भी नहीं जाओगे, कोई बात नहीं, इस स्लाइड शो था ना उससे डायरेक्ट कर लिया था ना हमने, चलो कोई बात नहीं, तुम नहीं जाओगे, हम भी एमपी तुम्हें भेजना आता है,
चलो नॉट थ्री पे चलते हैं, वहां पे पीपीटी बनाई क्वेश्चंस की। आज 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ, टॉप 25 क्वेश्चंस आज लेके आया हूँ, आपको करने हैं अच्छे सवाल, ठीक है। चलो पहले बता देते ना कुलाम्स के बारे में क्या क्या पढ़ा था ना, वो भी बताना जरूरी है ना तुम लोगों को, वरना याद कैसे रहेगा कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं, तुम लोग भूल जाओगे ना। चलो देखिए, कल जो हमारी लास्ट क्लास थी थ्योरी वाली, उसमें आपको कुलाम्स लॉ के बारे में बताया। अरे किसके बारे में? कुलाम्स लॉ के बारे में बताया, जिसमें आपको कोई भी तकलीफ समस्या या परेशानी नहीं थी। आगे बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या चीजें आप लोगों को कुलाम्स लॉ में बताई गई थी। तो सबसे पहले बताया था कि ये जो फोर्स होता है 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में लगता है, और ये भी बताया कि जरूरी नहीं पॉइंट चार्जेस, मैंने आपको स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट बताया था, उसमें भी ये लॉ जो क्या होता है वो वैलिड होता है। तो सबसे पहले दो चार्ज चाहिए और उनके बीच की थोड़ी सी डिस्टेंस चाहिए, और ये जो फोर्स होता है वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, और उनकी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो F प्रोपोर्शनल टू 1/r² बताया, तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे r² क्या बोला? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे r², जहां से F बराबर आता था K Q1 Q2 बटे r², जहां K कुलामी कांस्टेंट था। क्या था रे? कुलामी कांस्टेंट, जिसका मान बोलो रे कितना था बेटा, बोल दो। हाँ बोल, तू बोल, वेरी गुड, बता। यस इन इट, कौन बताएगा, भूल गया? चल वापिस याद रखना, 9 × 10^9 9 × 10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कुलाम स्क्वायर, जहां के की वैल्यू 1/4πε। एप्सिलॉन क्या कहलाती है? परमिटिविटी। क्या कहलाती है? परमिटिविटी। और मीडियम को इंसर्ट करते क्या कहलाती है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और अपन जो एप्सिलॉन की मिनिमम वैल्यू लेते हैं वो किसके लिए लेते हैं? जहां से फोर्स मैक्सिमम हो जाए, फ्री स्पेस के लिए लेते हैं, या वैक्यूम भी कभी कभी बोलते हैं, या एयर के लिए, जो कितना था 8.854 × 10^-12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या बोला था? केक यूनिट को उल्टा करना है, डायमेंशन निकाल के लेके आना कल बेटा, ना कल भूल गया था मैं तुम लोगों से, ये होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, के केक की और एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकाल के। उसके बाद में क्या बताया था कि जो लाइन ज्वाइनिंग होती है दोनों चार्ज को मिलाने वाले, उसके अलोंग लगता है दो नेचर होती है, अट्रैक्शन और रिपल्सन। रेंज कितनी बताई थी रे? इन्फिनिटी। कितनी बताई थी? इन्फिनिटी रेंज बताई गई थी। और क्या बताया था? इतनी चीजें हुई थी, एक दो चीजें मेरे को याद नहीं होगी शायद, इतना ही था ना। हाँ तो बता दे और क्या बताया था। ठीक है, तो मेन चीज फॉर्मूले का ध्यान रखना, क्वेश्चन का ध्यान। अच्छा वो वाली बात, परमिटिविटी वाली कुछ नहीं है रे, परमिटिविटी का जो आता है ना एप्सिलॉन आर, जिसे रिलेटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं ना, वो तेरे को ध्यान रखना है, जो किसके बराबर होता था? एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता था, ठीक है ना। तो जब तू फॉर्मूला लिखेगा ना 1/4πε, वहां पे एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई एप्सिलॉन आर लिख देना, डॉट Q1 Q2/r² कर देना, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। बाकी तेरे को मैंने बताया था मीडियम का जो फोर्स होता है वो क्या होता है, फ्री स्पेस में जो फोर्स लगता है उसको डिवाइड कर दो K से, यहाँ किससे डिवाइड कर दो? एप्सिलॉन आर से, ठीक है। ये भी बताना है ना कि जो परमिटिविटी उसका काम क्या होता है, फोर्स इसको कम करना होता है, डाइलेक्ट्रिकल मीडियम भरते हैं ना, तो वो क्या करता है, फोर्स इसको कम करने का काम करता है, उसके आंसर होते हैं। चलो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं अभी। पहला क्वेश्चन जो है वो कल बताया वही क्वेश्चन से, देखिए कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, अगर मैं तीसरा चार्ज Q3 ले आऊं, तो ये Q3 क्या Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लग रहा है, इनके बीच में कुछ कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा ना। अगर तुम्हारी दोस्ती की बॉन्डिंग दोनों के बीच अच्छी है, तो तीसरा कुछ भी उखाड़ ले, कुछ भी होने वाला नहीं है। क्या कहा बच्चा? कि आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छी है तो कोई भी कुछ भी करने वाला नहीं है, आई बात? इसी तरीके से अगर ये जो बंदा है आपके दोस्त को अपना दोस्त बना ले अच्छा, तो फिर आप कुछ कर पाओगे क्या? फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे।
यानी कि जब दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है ना, तो तीसरा कुछ भी कर ले, कुछ भी होने वाला नहीं है, जैसे आपकी और हमारी बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको कभी भी तीसरा डिस्टर्ब नहीं करता है। लेकिन एक चीज बताई थी, क्या बताई थी, नेट जो होगा ना उसका इफेक्ट मीडियम का पड़ता है, ये भी ध्यान रखना। कल दो स्टेटमेंट लिखवाए थे ना, तो देखो ध्यान से पहला क्वेश्चन सर, चलो पढ़ो इसको, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो करो, मैं साइड में इसलिए तुम लोग क्वेश्चन को पढ़ सको और अच्छे से कर पाओ, ठीक है ना। चलो पढ़ो पढ़ो, तुम तो कैमरा थोड़ा सा टेढ़ा कैसे आ रहा है आज स्टूडियो के अंदर भाई, तू आज टेढ़ा कैसे हो गया। अच्छा ये दिक्कत आ रही है, चलो चलो बहुत बढ़िया है ना, सीधा नहीं होगा। चलो थोड़ा बहुत हो गया, चलो पढ़ लिया क्वेश्चंस को। चलो क्वेश्चंस क्या है, एक पॉइंट चार्ज है Q1, एग्जिट एन इलेक्ट्रॉन फॉर्स ए सेकेंड चार्ज Q2, ठीक है। वो क्या करता है, एक फोर्स जो वो एग्जिट करता है किसके कारण, Q2 के, जब सीधा हो गया ना, एक थर्ड चार्ज Q3 इसके पास में लेके आ रहे हैं। तो आपको बताना है कि Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लगेगा उन दोनों की कहानी क्या रहेगी। अभी जो बताया था वही सेम कहानी पूछ रहे, अभी आप लोगों को बताया था कि एक चार्ज Q1 है और दूसरा Q2 है, ठीक है। तो ये पॉइंट चार्ज Q1 एग्जिट ए इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन सेकेंड पॉइंट चार्ज Q2, ये Q2 पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। इफ थर्ड चार्ज Q3 इज ब्रॉड नियर टू द Q1 एग्जिटेड ऑन द Q2, तो तीसरा चार्ज जो है वो किसके पास लेके आ रहे हो आप लोग, Q2 के पास लेके आ रहे हो, एग्जिटेड ऑन द Q2। तो यहां पे आप जो है वो चार्ज को लेके आ रहे हो, तो बताना है इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। इस बात का आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है कि कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, यानी कि इसका आंसर क्या होना है, तो इसका आंसर जो होना है वो आपका थर्ड नंबर होना है। चलो एक मिनट प्रॉब्लम और आगे ठीक कर लेता हूँ, एक सेकंड ना, तुम उसको फॉरवर्ड करके आगे बढ़ा देना, ठीक है ना। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया, यहाँ की लाइट की मिस्टेक आ रही है, क्या हो गया भाई तेरे, क्या दिक्कत है बेटा। अच्छा चलो 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 जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको, चलो ठीक हो गया, तैयार है ना, आवाज आ रही है क्या, हेलो लाइट आ रही है कैमरे में, ध्यान से, हेलो हेलो, चलो ठीक है। देखो इश्यूज होते रहते हैं ना, तो हमें भी पता है कि एक चीज को चलाना बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं उनकी टीम बैठती है, तो वो खुद ही कर लेते हैं। यहाँ पे टीम भी हमें, टेक्निकल स्टाफ भी हमें, सब कुछ हम ही है, ठीक है ना। तो सारा काम अकेले को करना पड़ता है, दिक्कत आ जाती है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अच्छा ये क्वेश्चन क्या है, टू चार्ज पार्टिकल प्लेस एट ए डिस्टेंस 1 मीटर, दो चार्जेस है आपके पास में, एक ये वाला चार्ज और एक ये वाला चार्ज, इन दोनों चार्जेस को प्लेस किया गया है 1 मीटर पे, कितना किया गया 1 मीटर पे। तो आपको बताना जो मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा वो कितना आएगा, क्या बताना, मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आएगा वो कितना आएगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या लगाओगे, तो एफ मिनिमम क्या हो जाएगा बेटा, एफ मिनिमम बराबर के Q1 Q2 अपॉन 1 स्क्वायर। आपको मिनिमम फोर्स पूछा था, आप इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा K इंटू ई स्क्वायर। तो चार्ज मिनिमम भी किसके बराबर हो जाएगा, तो एफ मिनिमम आ जाएगा K स्क्वायर के बराबर, तो चार्ज कौन सा आप इलेक्ट्रॉन तो E के बराबर, यानी कि फोर्स को मिनिमम होने के लिए क्यू को मिनिमम करना पड़ेगा, और वो क्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। आगे बात समझ में अच्छे से, चलो क्वेश्चन को देख लो एक बार, अच्छे से पढ़ लो, लिख दो जो भी करना है व्हाटएवर। चलो हो गया, चलो
आगे लगा दो क्वेश्चंस, पढ़ो ये वाला क्वेश्चंस, अच्छा क्वेश्चंस है, ठीक है, थोड़ा सा करने की ट्राई करो बेटा। आज मैं आपको बहुत कम दिखाई दूंगा क्योंकि क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आप यहाँ पे लोगो एक ऊपर आ रहा है तो वहां पे फोर्थ लिखा हुआ है, ध्यान रखना। चलो लिखो, हो गया कुछ लिख दिया। चलो देखो, दो पॉइंट चार्जेस है, मान लीजिए ये एक हमारा पॉइंट चार्जेस है और एक ये दूसरा पॉइंट चार्जेस, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी। अब बोला गया अगर इनके बीच की डिस्टेंस हम लोग थ्री डी कर दें तो आपको बताना है यहां पे फोर्स कितना लगेगा। रिपल्सन की बात हो रही है तो अपन दोनों को प्लस क्यू वन और प्लस क्यू टू मान लेते हैं, इसको भी प्लस क्यू वन, इसको प्लस क्यू टू मान लेते हैं, यहाँ का फोर्स मान लेते हैं एफ टू और यहाँ का मेरे बच्चों फोर्स मान लेते हैं एफ वन, कितना मान लेते हैं एफ वन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास में दो चार्जेस है, उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, एक बार लग रहा है एफ वन जब उनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी, डी, और अगर ये डिस्टेंस थ्री डी कर दी जाए बच्चों, कितनी कर दी जाए थ्री डी, उस केस में फोर्स कितना लगेगा बताना है। एफ वन का मान दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 9 न्यूटन, कितना दे रखा है बेटा 9 न्यूटन। तो कैसे करोगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले एफ वन का मान निकालो, एफ वन बराबर के क्यू वन क्यू टू अपॉन डी स्क्वायर। इसी तरीके से एफ टू का भी मान निकाल दो प्यारे बच्चों, के क्यू वन क्यू टू अपॉन थ्री डी का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर वन बोल लीजिए बच्चों, ये कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन वन को टू से डिवाइड कर लो बेटा, इक्वेशन वन को किससे डिवाइड कर लो, टू से, और जैसे इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से डिवाइड करोगे तो क्या इक्वेशन आएगी, एफ वन अपॉन एफ टू बराबर के क्यू वन क्यू टू अपॉन डी स्क्वायर अपॉन के क्यू वन क्यू टू अपॉन थ्री डी का स्क्वायर। तो देखो बच्चों ध्यान से, ये सारा का सारा कैंसिल आउट हो रहा है, डी स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पे कितना बचा, 9 बचा, 3 का स्क्वायर 9, तो एफ वन अपॉन एफ टू बराबर आ गया 9, तो एफ टू बराबर कितना आ गया रे, एफ वन अपॉन, और अपने को निकालना क्या था बच्चों, एफ टू ही निकालना था, एफ वन का मान कितना दे रखा है 9 दे रखा है, तो 9/9 बराबर कितना आ गया 1 न्यूटन। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा एफ टू वो कितना आ जाएगा बेटा, 1 न्यूटन आ जाएगा। अच्छा कैसे किया, एक बार वापस देख लीजिए बच्चों, दो चार्जेस थे उनके बीच में डिस्टेंस डी थी, तब हमारे पास में जो फोर्स लग रहा था वो 9 न्यूटन लग रहा था, कितना लग रहा था 9 न्यूटन, और यदि उनके बीच की डिस्टेंस 3d यानी कि 3 टाइम्स कर दी जाए तो फोर्स कितना लगेगा। तो ये बेसिक तरीका ही बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ लोग शॉर्ट ट्रिक भी बताते हैं लेकिन 12 वाले बच्चे हो तो शॉर्ट ट्रिक यहाँ नहीं बताई जाएगी, ठीक है ना। तो सीधा क्या ध्यान रखना है, दो इक्वेशन बनानी है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना है और एक फोर्सेस की वैल्यू रख के दूसरी फाइंड करनी है। चलो जल्दी से लिख दो, लिखने वाले लिख दो जल्दी से, देख लो नहीं तो वीडियो को पॉज करके लिख, चलो एक मिनट का टाइम है, देख भी लो और लिख भी लो जल्दी से। जल्दी करो, को पता है हिंदी मीडियम वाले को ना पहले समझेंगे, अरे तुम भी किसी से कम नहीं हो, इंग्लिश के अंदर ही चाप के करना स्टार्ट करो। चलो अगला क्वेश्चन देखें, चलो ये रहा सवाल, पहले पढ़ो, खुद पढ़ो और खुद से करने की ट्राई करो। यहाँ पे ये चीज नहीं दिख रही होगी ना लोगों, आ रहा बस है, तो यहाँ पे कैप्टन लिखा हुआ है ध्यान रखना। अरे डरो मत तुम हिंदी वाले यार, शेर हो मेरे बच्चे, ठीक है ना, आराम से क्वेश्चन को करने की ट्राई, कुछ नहीं आसान सा सवाल, ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करो। चलो क्वेश्चन समझाना है, ठीक है, टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 एग्जर्ट ए फोर्स F1 ईच अदर, दो चार्जेस है हमारे पास में, पहला वाला चार्ज है Q1 तो दूसरा वाला चार्ज है बच्चों Q2,
और उनके बीच की डिस्टेंस यहाँ पे अभी तक गिवन नहीं है, उनके बीच में जो फोर्थ लग रहा है वो एफ लग रहा है। ठीक है बच्चों, फिर बोला गया व्हेन केप्ट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं, मान लीजिए ये हमारी जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है। ठीक है, इसके बाद में प्यारे बच्चों क्या दिया है, इफ द चार्ज ऑन ईच पार्टिकल इज हाफ, यानी कि इस बात का मतलब होता है चार्ज को हाफ करना, हिंदी वाले को दिक्कत होगी इसलिए क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे चार्ज को हाफ कर दिया गया। अब यहाँ पे जो चार्ज है वो हमारे पास कौन है बेटा, क्यू वन अपॉन क्यू टू और क्यू टू अपॉन वन बाई टू। ठीक है, अब क्या बोला गया, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल इज डबल, अब डिस्टेंस कितनी कर दी बेटा, डबल कर दी, यानी पहले स्मॉल डी थी तब डिस्टेंस कितनी होगी बेटा 2d। अब बताना है कि नया वाला फोर्स कितना लगेगा। ठीक है बच्चों, तो मानते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था वो एफ लग रहा था, एफ बराबर के क्यू वन क्यू टू अपॉन डी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ इक्वेशन नंबर वन हो जाएगी बच्चों। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, इक्वेशन नंबर वन हो जाएगी, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो एफ डैश लग रहा है, तो क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, एफ डैश बराबर के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये कितना आ गया मेरे बच्चे, तो मेरे प्यारे बच्चे आ गया के क्यू वन क्यू टू, टू का मल्टीप्लाई टू से किया तो फोर, टू का स्क्वायर किया तो वापिस फोर, डी का स्क्वायर बना तो डी स्क्वायर, इसको वन बाई सिक्सटीन अलग कर दो और इसको लिख दो प्यारे बच्चों के क्यू वन क्यू टू बटे डी स्क्वायर। और ये कौन है बेटा, ध्यान से देखो इसको, तो ये एफ है, कौन है बेटा एफ, तो यहाँ से एफ डैश जो आएगा वो आएगा एफ बाई सिक्सटीन आ जाएगा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या इसके अंदर, ये पढ़ा, चलो बहुत बढ़िया बहुत अच्छा, फाइनली क्वेश्चन कर दिया आप लोगों ने, देख लो कितने लोगों का सही हो गया था, क्या बात है क्या बात है, ओई ओई तुम्हारा भी सही हो गया, क्या बात है गुड़िया, जीवन में पहली बार क्वेश्चन, हाँ ट्राई कर बेटा, ट्राई करेगी ना अच्छे से क्वेश्चन भी हो जाएगा, सब चीजें हो जाएगी। ठीक है, अच्छा वो दिख नहीं रहेगा, स्क्वायर बाई सिक्सटीन है ना करना ना, क्योंकि मैं पढ़ते समय स्क्रीन के ऊपर कम ही देखता हूँ, फिर स्क्रीन के ऊपर नजर जाती है पता चलता है कौन सी चीज दिख रही है और कौन सी नहीं दिख रही है। चलो लिख दो जल्दी से, देख लो एक बार कोई समस्या हो। हेलो लिख लो जल्दी से, देखो फटाफट आगे का क्वेश्चन निकलवा रहा हूं। चलो आगे ये क्वेश्चन से कर लोगे, सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को आप खुद से करने की ट्राई करना। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन होमवर्क कर दूं, फर्क क्या है क्वेश्चन के अंदर देख लो, व्हेन टू पार्टिकल हैविंग चार्ज q1 एंड q2 आर केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस दे एग्जर्ट ए फोर्स f, उनके बीच में पहले फोर्स f लग रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इज रिड्यूस्ड टू हाफ, इस बार डिस्टेंस को हाफ कर दिया तो कितना हो जाएगा d / 2 हो जाएगा, और चार्जेस जो पार्टिकल के है वो डबल कर दिए तो क्या बन जाएगा, पहले इक्वेशन लिखोगे f बराबर क्या करोगे k q1 q2 अपॉन d स्क्वायर करोगे, और दूसरे केस में क्या करना है, तो दूसरे केस में आपको जो है वो एक तो चार्जेस जो है उनको चेंज किया गया, इन्होंने डिस्टेंस चेंज की है और चार्जेस को डबल किया है, तो क्या बन जाएगा के टू क्यू वन टू क्यू टू अपॉन डी बाई टू का स्क्वायर, टू और टू कितने हो गए फोर, फिर टू का स्क्वायर होगा तो वो भी कितना हुआ फोर, और वो फोर ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ऊपर कितना बन गया टू इंटू टू मल्टीप्लाई फोर दैट इज सिक्सटीन, और साथ में क्या आ गया के क्यू वन क्यू टू बाई डी स्क्वायर, तो वैल्यू वापिस क्या बन जाएगी एफ, तो इसका आंसर 16 है। ये होमवर्क क्वेश्चन है, फिर भी नहीं हो तो मेरे को है ना टेलीग्राम चैनल पे भेज देना। देखो बच्चों घबराओ मत, नई चीज है नया प्लेटफॉर्म है, धीरे 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 आप एग्जिस्ट करोगे तो समझ में आएगा, बिल्कुल प्रॉपर वे से चलेगा। ठीक है ना, तो नहीं आती तो टेलीग्राम में डालो तो आज तो मुझे नहीं होता तो कमेंट के अंदर लिख दो सर मेरे से ये नहीं हो रहा है, तुरंत सॉल्यूशन हो जाएगा, घबराओ मत। चलो एक सवाल और है बेटा, देखो ये सवाल अच्छा है, थोड़ा करवाने लायक भी सवाल है, पहले आप खुद इसको ट्राई करो, देखो आपसे होता है क्या,
इफ टू आइडेंटिकल स्पेयर, दो आइडेंटिकल स्पेयर है जिसपे चार्ज दे रखे 16 माइक्रो कूलम और 8 माइक्रो कूलम, कैप्ट एट ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, कुछ डिस्टेंस पे उन्हें रखा गया है, देन द फोर्स इज एफ, तब उन्हें फोर्स क्या लगता है, एफ लगता है। अब इनको वापस टच करके उसी डिस्टेंस पे रख दिया जाए तो फोर्स कितना लगेगा, देखो वर्ड क्या आया, टच करते हुए। तो हमने चार्जिंग मेथड पढ़े थे, तो चार्जिंग मेथड में कौन सा मेथड बताया था कि चार्ज को ट्रांसफर करते हैं टच करने से, है ना, कौन सा था, कंडक्शन मेथड बताया था, कौन सा बताया था बेटा, कंडक्शन बताया था ना। तो कंडक्शन से क्या होता है कि दोनों में चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो पहले इस वाली कंडीशन में चार्ज निकालो क्या वैल्यू आती है, फिर दूसरी वाली केस में निकालो क्या वैल्यू आती है, दोनों को सॉल्व कर लो तो आपके पास में फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए आपके पास में दो चार्जेस थे, एक 16 था एक -8 था, इनको कुछ डिस्टेंस पे रखोगे तो फोर्स लग रहा था एफ, बराबर कितना आ गया के इंटू 16 इंटू 8, आपको इनको टच किया ये और ये, जब ये टच होते हैं तो क्या होता है, इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 16 - 8/2, 16 - 8, 8/2, यानी कि 4 इस पे भी आ गया 4 इस पे भी आ गया। अब डिस्टेंस वापस उन्होंने वही रखी, अब जो फोर्स आएगा वो नया आएगा एफ टू, मान लो कितना आएगा के इंटू 4 × 4/2, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा एफ एफ वन एफ टू बराबर, ठीक है 16 × 8/2, यहां से आप लोग जो है डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 4 × 4 आ जाएगा, तो 4 × 4 इसको काटेगा ये यहां चला जाएगा यहां आएगा, तो एफ टू बराबर कितना आ जाएगा एफ बाई 8 आ जाएगा, ठीक है ये बात समझ। तो सिमिलर ही था इस बार, पिछली बार क्या कर रहे थे कि हम लोग वहां बता रहे थे कि चार्ज को डबल कर दिया हाफ कर दिया, रेडियस डिस्टेंस को डबल कर दिया या हाफ कर दिया, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक मेथड से बता रहा है कि टच किया है, और आपको पता होना चाहिए कि जब दो बॉडी को टच करते हैं तो उसकी चार्जिंग कंडक्शन मेथड से होती है, कौन से मेथड से होती है, कंडक्शन मेथड से चार्जिंग होती है, और जब कंडक्शन मेथड से चार्जिंग होती है तो चार्ज क्या होता है पता ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, हाफ हाफ होता है, यानी कि पहले नेट चार्ज निकाल दो 16 - 8 कितना बचा 8, 8 का हाफ कितना होगा 4, तो दोनों पे कितना चार्ज आ जाएगा 4 और 4। चलो जल्दी से करो, देख लो फटाफट से क्वेश्चन को, लिखना है तो सॉल्यूशन लिखना है तो जल्दी से लिखो फटाफट। ओके चलो, बहुत प्यारा सवाल है, अच्छा सवाल, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से सुनना बेटा, एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है हमारे पास में Q2। अब देखिए यहां पे इन लोगों ने क्या किया, यहां पे ध्यान से देखिए ना, तो पॉजिटिव लिखा हुआ है ना ही नेगेटिव लिखा हुआ है, यहां पे भी ना पॉजिटिव लिखा हुआ है ना ही नेगेटिव लिखा हुआ है, यानी चार्ज की नेचर पता नहीं है, लेकिन दोनों चार्ज एक दूसरे के बीच में जो फोर्स लगा रहे हैं वो कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स, और जब अट्रैक्शन फोर्स लगता है तो दोनों चार्जेस कैसे होते हैं, लाइक के अनलाइक, हाँ बता तो गुड़िया दो, वेरी गुड, अनलाइक चार्जेस होते हैं, कैसे होते हैं अनलाइक, और जब चार्जेस अनलाइक होते हैं इसका मतलब क्या है, एक की जो नेचर है वो दूसरे की अपोजिट कर दो, आप अपने हिसाब से इसको पॉजिटिव मान लो तो दूसरा क्या हो जाएगा नेगेटिव, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, आगे बात समझे, चलो जल्दी देखो क्वेश्चन को फटाफट देख लिया करो ना, एक मिनट के अंदर देखो लिखो समझो आगे बढ़ो, 25 क्वेश्चन है आज, प्रीवियस ईयर अभी आने वाला है, इसके बाद में प्रीवियस ईयर ही आएगा ना, टेंशन मत, इसके बाद में पिछले सालों के सवाल आएंगे। चलो ये बेसिकली जो क्वेश्चन है वो सुपर पोजिशन का पार्ट है, जो पढ़ाया नहीं है ना, क्वेश्चन मैंने ले रखा है पढ़ाया मैंने नहीं है तो भाई करवा दूंगा, आज सुपर पोजिशन पढ़ाया या कल पढ़ाऊँ तो, ठीक है दो क्वेश्चन ये हो गए, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है,
लेकिन ये इक्विलिब्रियम कंडीशन का क्वेश्चन है, ठीक। इक्विलिब्रियम कंडीशन पढ़ा ही नहीं है आप लोगों को, लेकिन समझा देते हैं, ये भी ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे ये भी बता देते हैं, ठीक। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन बताया नहीं है लेकिन आपको सॉल्व करना सिखा देते हैं, कोई दिक्कत। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपके पास यहाँ पे जितना भी चार्ज है उसका मल्टीपल टाइम्स ऑफ चार्ज हो जाए, ये एन टाइम्स हो गया, हो सकता है टू टाइम्स हो जाए, थ्री टाइम्स हो जाए, फोर टाइम्स हो जाए, ठीक है। तो उसको निकालने का एक तरीका भी होता है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो ये सारी चीजें इक्विलिब्रियम में करवाते हैं, आई थिंक इक्वेशन इक्विलिब्रियम में ही ले लेंगे तो वहां पे क्या ढंग से समझ में आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम चार्ज की कंडीशन पढ़ानी है ना, एक इक्विलिब्रियम पढ़ाना है और एक सुपर पोजिशन पढ़ाना है, ठीक है। तो ये उसको साथ में ही ले लेंगे उस समय ध्यान। तो तीन क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। चलो क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से और करने की कोशिश। अच्छा ये भी इक्विलिब्रियम का ही सवाल है, चलो इक्विलिब्रियम ही करवाएंगे ये वाला क्वेश्चन भी। ये सवाल तो अच्छा सवाल है, देखो ध्यान से। आपके पास में दो स्पेयर्स है, प्लस 7 माइक्रो कूलम और माइनस 5 माइक्रो कूलम के चार्जेस है, उनके बीच में एक फोर्स लग रहा है एफ, ठीक है। और उनको एक अलग से एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया माइनस 2 माइक्रो कूलम का। तो अब आप लोगों को बताना है कि अब फोर्सेस का मान क्या होगा, अब आप लोगों को फोर्सेस की वैल्यू बतानी है। चलो करो खुद से, एक मिनट का समय देता हूँ मैं, हर क्वेश्चंस के अंदर गायब हूँगा और आपको समय दूंगा, ठीक है ना। तुम सोचोगे सर कहाँ चले गए, सर तुम्हारे सामने ही है और तुमको देख भी रहे हैं, समझे जिंगूर। करो करो जल्दी करो, समय देर का, फिर सीधा सवाल का आंसर पूछूंगा मैं तुम लोगों से। फिर तुम लोग ऐसे नहीं कि हाँ बोलने लग जाओ सर ये आएगा वो आएगा, ध्यान रखना। मुकेश रघुनाथ, हेलो
साउंड बंद पड़ा था, यानी कि पिछला वाला सवाल भी शायद मैंने तुमको समझाया तब साउंड बंद था। एक बार देख लो वापस, मैं भूल ही गया है ना, जो फोन आया था ना उसके बाद से साउंड बंद ही पड़ा था। चलो वापस समझा देता हूँ ये वाला सवाल भी। देखिए +7 माइक्रो कूलम और -5 माइक्रो कूलम के दो चार्जेस थे, उनको डी डिस्टेंस पे रखा गया था, लेकिन प्रत्येक को -2 माइक्रो कूलम चार्ज एडिशनली दिया गया। तो एडिशनली दो को दिए क्या होगा, जुड़ेगा इसके साथ और इसके साथ भी ऐड होगा। इसको ऐड किया तो +5 माइक्रो कूलम और ये कितना बना, -7 माइक्रो कूलम बना। अब ध्यान से देखोगे सॉल्व करो तो देखो ध्यान से, +7 और -2 कितना हो गया +5, -5 और -2 कितना हो गया 7। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो देखो +7 किसमें चला गया, -7 में, -5 किसमें चला गया, +5 में। तो देखो ध्यान से तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही है, तो मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है तो मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा, ठीक है। तो दोनों फोर्सेस कैसे हो जाएंगे सेम। ये वाला क्वेश्चन देखो, एक चार्ज है क्यू, इसके दो पार्ट कर दिए, कितने पार्ट कर दिए दो। तो पहला वाला पार्ट तो हमने एक्स मान लिया तो दूसरा क्यू माइनस एक्स हो जाएगा। आपको बताना है कि चार्जेस की वैल्यू क्या होगी दोनों की जब हमारा फोर्स मैक्सिमम हो जाए, फोर्स क्या हो जाए मैक्सिमम। तो मैंने बोला इसमें किसका यूज करना है, मैक्सिमा मिनिमा का यूज करना है। तो मैथमेटिक्स पढ़ते थे आप लोगों को तो पता होगी, कोई भी फंक्शन वाई होता है और वाई की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले वो पॉइंट निकालने होते हैं, उन पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। मान लो कोई भी फंक्शन होता है वाई, तो सबसे पहले उसको क्या करते हैं, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं और फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो के बराबर रखते हैं, तो वहां से एक्स का मान आता है, ठीक है। फिर मैक्सिमा या मिनिमा उसको सेकंड डेरिवेटिव से चेक करते हैं, अगर ग्रेटर जीरो आए तो मिनिमा होगा और लेस जीरो आए तो मैक्सिमा होगा, फिर उसी पॉइंट को वापस फंक्शन में रखते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल जाती है। इसी तरीके से आप यहां पर करने की ट्राई करिए। बीच में रहूंगे तो कैसे करोगे, क्वेश्चन को ध्यान से देखो बेटा। हमें पता है कि एक चार्ज हमारा एक्स है, दूसरा चार्ज क्यू माइनस एक्स, इनके बीच की डिस्टेंस कुछ भी मान लीजिए आप अपने हिसाब से, आर मान लीजिए, तो फोर्स कितना लगेगा, के क्यू इंटू क्यू टू बटे आर। मैंने बोला फोर्स को मैक्सिमम बनाना है तो डीएफ बाई डीएक्स को जीरो कर दो आप लोग, तो डीएफ बाई डीएक्स निकालो। सबसे पहले डीएफ बाई डीएक्स निकालो क्या बनेगा, डी बाई डीएक्स, उसके बाद में ये फोर्सेस का मान मैं यहाँ लिख देता हूँ, के एक्स क्यू माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर। कॉन्स्टेंट को बाहर ले लीजिए बच्चों, के अपॉन आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट बच गया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का मल्टीप्लाई दोनों साइड कर दो तो क्यू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में आ गया जीरो। ये कॉन्स्टेंट थे, जीरो के अंदर भेज दो तो चले जाएंगे। अब इनको अलग अलग कर दो तो ये क्यू का आएगा बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब एक्स का एक्स का रेस्पेक्ट वन आ जाएगा, यहां से क्या आएगा, यहां से डिफरेंशिएशन क्यू आ जाएगा माइनस टू एक्स, एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x, 11 क्लास में बता रहा था। तो यहां से 2x किसके बराबर आ गया, क्यू के बराबर, तो एक्स बराबर कितना आ गया क्यू बाई टू, तो प्रत्येक चार्ज की वैल्यू हाफ हो जाएगी। और आप कभी भी एक चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड करो और मैक्सिमम फोर्स चाहते हो, कितना फोर्स चाहते हो, मैक्सिमम फोर्स चाहते हो, तो उस केस में दोनों चार्जेस की वैल्यू हाफ हाफ लेनी है, ये ध्यान रखना, कितनी लेनी है हाफ और हाफ। चलो जल्दी से देख लो, लिखना है तो लिख दो फटाफट, इस साइड आना पड़ेगा मेरे को, चलो लिखो जल्दी से, नीचे से कुछ कट गया ना, ऐसा इक्वेशन कट रखी है क्या, चलो ये आपसे वापिस लिख देता हूँ, q माइनस टू एक्स बराबर जीरो, तो 2x बराबर q, तो यहां से x का मान आएगा q बटे दो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अच्छा सवाल है, 2019 के पेपर का सवाल है, खुद से करने की ट्राई करिएगा बेटा, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है ना। तो करवा तो मैं दूंगा, होमवर्क नहीं दूंगा, अभी बैठ के करना है ना। ये 2019 कौन से पेपर का है? अभी मैंने नीट का ही लिया है, जेई का सवाल नहीं लिया अभी तक, ठीक है। मॉड्यूल में सारे जेई के सवाल आ जाएंगे, ठीक है, ये भी आएंगे, ऐसी बात नहीं, ये भी आएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन समझ लो पहले। 2 पॉइंट चार्जेस थे ए और बी, हैविंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। उनके ऊपर जो चार्जेस थे, एक पे था प्लस क्यू, एक पे था माइनस क्यू, कुछ डिस्टेंस पे रखे थे, उनके बीच में फोर्स एफ लग रहा है। कितना लग रहा है? एफ फोर्स लग रहा है। इफ 25% चार्ज ऑफ ए ट्रांसफर टू बी, ए का 25% बी को दे दिया गया, अब बताओ फोर्स कितना लगेगा। तो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि हमारे पास में दो चार्जेस है, एक है प्लस क्यू तो दूसरा है माइनस क्यू, ये रखा हुआ है ए पर, ये रखा हुआ है बी पर, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस सेपरेट की गई आप लोगों ने। अब बोला कि ए का 25% चार्ज बी को दे दे, तो किसी का भी 25% कितना होगा? ए का चार्ज वैल्यू कितना है? क्यू का 25% 25/100 हो गया, तो ये हो गया q/4, यानी कि क्यू में से q/4 निकालना है। तो क्यू में से q/4 निकालोगे तो यहाँ क्या होगा? लॉस होगा। ये लॉस कहां जाके ऐड हो जाएगा? यहाँ पे ऐड हो जाएगा इस तरीके से। अब चार्जेस की वैल्यू कितनी हो गई रे? 3q/4, ये कितना हो गया? -3q/4। अब एफ निकालना है क्या? नहीं निकाल सकते रे, के 3q/4 अपॉन आर स्क्वायर करोगे, यहाँ पे अगर पहले फोर्स निकालते तो के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आता, यहाँ पे कितना आ गया रे? 9 k q square upon 16 r square। 9/16 को अलग करोगे तो तुम्हें कुछ देखा देखा सा लगेगा, k q square upon r square, और k q square upon r square क्या होता है? f होता है, तो ये क्या बन गया? 9/16 f बन गया। क्या बन गया? 9/16 f बन गया। चलो कटा कुछ नहीं, एक बार देख लो कैसे किया। अच्छा सवाल है, 19 के पेपर का सवाल है नीट का। तो प्रीवियस ईयर आने स्टार्ट हो गए ना, तो धीरे धीरे प्रीवियस ईयर भी आएंगे, ये ध्यान रखिएगा अच्छे से। लिख दो जल्दी से बेटा। चलो अच्छा सवाल है, पेपर का ही सवाल है बेटा, सवाल को समझना पहले। कैसा सवाल? टू पॉजिटिव आयंस, दो हमारे पास पॉजिटिव आयंस है, इज कैरिंग हैव चार्ज क्यू, इनके बीच में चार्ज क्यू है, दो पॉजिटिव आयंस है, ठीक है, एंड रिपल्सन फोर्स लगेगा, इन्होंने लिखा भी है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग, वहां पे जो है आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिस दिख रहे हैं, ठीक है, तो आपको निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो वहां पे मिस दिख रहे हैं, ये ध्यान रखना। और प्रत्येक में चार्ज है वो कितना है? ई, तो ये अपन ई ले लेते हैं और ये भी ई ले लेते हैं। सबसे पहले फोर्स निकाल दो, के क्यू स्क्वायर मतलब ई स्क्वायर, ठीक है। अब आपको ये बताना है, ध्यान रखना, चार्ज क्या दे रखा है? इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो अपन यहां पे पहले क्यू लिख के ही चलते हैं, यहां ई लिख के चलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपन क्यू लेके चलते हैं, चार्ज तो क्यू आएगा ना, चल ठीक है। अब आपको ध्यान से देखोगे तो क्या आएगा बेटा? के क्यू स्क्वायर बराबर एफ आर स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बराबर आ गया एफ आर स्क्वायर अपॉन के, एफ आर स्क्वायर अपॉन के का मान होता है 1/4 πε₀ होता है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 4πε₀ एफ आर स्क्वायर। आई बात समझ में? अब आप लोगों को यहाँ पे जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी? मिसिंग चार्जेस की निकालनी। किसकी निकालनी? मिसिंग चार्जेस की निकालनी। तो क्यू स्क्वायर बराबर, यहाँ आप लोगों को पता है क्यू बराबर क्या होता है? एन ही होता है, तो यहाँ से क्या आ गया? एन स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर 4πε₀ एफ आर स्क्वायर। आपको यहाँ से क्या निकालना है? एन निकालना है। क्या निकालना है बेटा? एन, तो एन बराबर क्या बन जाएगा? रूट 4πε₀
एफ आर स्क्वायर अपॉन में ई स्क्वायर, तो कोई ऑप्शन है क्या ऐसा ई स्क्वायर के नीचे हो, यही है और रूट भी है, फोर पाई एप्सिलॉन एफ आर स्क्वायर और इसको मैंने डिस्टेंस को आर लिया है और यहाँ पे डिस्टेंस डी दे रखी है साइड, है ना। चलो कोई ना, तो ये आंसर हो जाएगा। चलो कर लो जल्दी से, देख लो एक बार अच्छे से। हो गया, चलो आगे देखो क्या आ गया। रे पीपीटी सही बनी नहीं, चलो नहीं बनी तो बताते हैं, ठीक है। देखो क्या चीज है यहाँ पे, एक चीज हम लोग कंपैरिजन करेंगे, क्या करेंगे कंपैरिजन, किस किस चीजों का कंपैरिजन करेंगे, कौन से पार्ट इसमें मिस हो गया। चलो ये वाला हुआ है क्या, देखो क्या क्या कंपैरिजन करने वाले हम, कंपैरिजन करेंगे कुलाम का ग्रेविटेशन के साथ, ग्रेविटेशन फोर्सेस के साथ। आप लोगों को पता है कुलाम ने बताया था एफ ई बराबर के क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर, और ग्रेविटेशन फोर्स जो होती है वो होती है जी एम वन एम टू। देखो दोनों इन्वर्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो सिमिलरिटी क्या क्या होगी, ये दोनों इन्वर्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, और दूसरी सिमिलरिटी कौन सी होगी, दूसरी सिमिलरिटी यहाँ पे ये होगी, ये दोनों जो है वो ज्वाइनिंग ऑफ लाइन के अकॉर्डिंग लगते हैं, यानी ये कैसे फोर्सेस हैं, सेंट्रल फोर्सेस हैं। आई बात समझ में, तो ये कैसे फोर्सेस है, सेंट्रल फोर्सेस है। तो ये तो मैंने आपको सिमिलरिटी बताई, क्या बताई, सिमिलरिटी बताई। अब मैं आप लोगों को यहां पे एक सेकेंड, एक और मिस्टेक हो गई, लैपटॉप रिचार्ज हो गया ऐसा। सर आप पढ़ाते कम हो ना, समस्या पे ज्यादा ध्यान रखते। चलो चलो ओके, एक सेकेंड का तो ये मैंने आपको सिमिलरिटी बताई थी, अब डिफरेंसेस क्या क्या है ध्यान से देखना। यहाँ पे कैपिटल जी आता है जो यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट कहलाता है, यहाँ पे के आता है जो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, ये जी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसका वैल्यू कितना होता है, 6.67 गुना 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर होता है। ये एरर वैक्यूम के लिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। ये केवल अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का होता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का होता है, ये मैं आपको बता चुका। अब इस पे क्वेश्चन आया बहुत अच्छा, ये एनसीईआरटी के अंदर भी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करवाने लायक तो नहीं है लेकिन करवाना तो पड़ेगा। रेशियो निकालना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का ग्रेविटेशन फोर्सेस के साथ। क्या बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फोर्स का रेशियो निकालना है ग्रेविटेशन फोर्स के साथ, ये सवाल है। आपको पता है एफ बराबर क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ग्रेविटेशन होता है जी एम वन एम टू अपॉन, ये चीज होती है। अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल करोगे तो ये क्या बनेगा, के का मान 9 गुना 10 टू द पावर 9, इलेक्ट्रॉनों के बीच में तो क्या हो जाएगा बेटा, ई स्क्वायर अपॉन जी का मान 6.67 गुना 10 टू द पावर माइनस 34 टू मास का स्क्वायर, तो मास किसका रे, इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, तो ये आ गया 9 गुना 10 टू द पावर 9 गुना इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 गुना 10 टू द पावर माइनस 19 का स्क्वायर, 11 होता है 34 नहीं होता, 6.67 गुणा 10 और माइनस 11, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 10 टू द पावर माइनस 31, इसको सॉल्व करोगे तो 10 टू द पावर 42, बड़ा ही फेमस सवाल है और एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी सवाल है और एनसीईआरटी किताब में भी दे रखा है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखना और अच्छे से करने की कोशिश करना। चलो ये पेपर का सवाल है, खुद से करना, पेपर वाले कुछ सवाल खुद से भी करना सीखो ना, मैंने काफी क्वेश्चन करा दिए, हिंट दे देता हूँ क्या हिंट है, पहले क्वेश्चन को समझो,
सपोज द चार्ज ऑफ ए प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, हम लोगों ने क्या किया, प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज इसको डिफर कर रखा है, वन ऑफ देम इज माइनस ई एंड द अदर इज ई प्लस डेल्टा ई, यानी जो प्रोटोन का चार्ज है इन्होंने माइनस ई कर दिया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई प्लस डेल्टा ई कर दिया, ठीक है। द अदर इज इफ द नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज एंड ग्रेविटेशन फोर्सेज बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स प्लेस एट ए डिस्टेंस डी देन एटोमिक साइज अपार्ट इज जीरो, तो उनकी डिस्टेंस डी जीरो, तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाती है, नेट फोर्सेज जीरो हो जाती है ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रॉन, यानी कि दोनों फोर्सेस बराबर है, ग्रेविटेशन फोर्स का मान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर दे रखा है। देन डेल्टा इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, आपको डेल्टा ई निकालना है, क्या निकालना है, डेल्टा ई निकालना है, ये आपको ध्यान रखना। तो सबसे पहले आप क्या करो, हाइड्रोजन के एटम बनो, ये हाइड्रोजन बनाया, यहाँ कौन होगा इलेक्ट्रॉन, इसके सेंटर के अंदर यानी कि न्यूक्लियस में कौन होगा, प्रोटॉन होगा, इस तरीके से यहाँ पे भी बना दो हाइड्रोजन, यहाँ पे बना दो इलेक्ट्रॉन, क्या बना दो इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या बनाओगे आप लोग। अब आपको पता है कि नेट चार्ज किस पे होगा, कितना होगा, यहाँ पे नेट निकाल दें तो प्रोटॉन का चार्ज कितना देर का है, माइनस ई, इलेक्ट्रॉन का कितना देर का, ई प्लस डेल्टा ई, तो नेट चार्ज क्या बन गया, डेल्टा ई बन गया, नेट चार्ज क्या बन गया, डेल्टा, दोनों फोर्सेस को बराबर करो तो ये क्या बना रहे, के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर आर स्क्वायर कर दो यहां से, तो डिस्टेंस तो क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या बचा, 9 गुना 10 टू दी पावर 9 गुना डेल्टा ई का स्क्वायर बराबर 6.67 गुना 10 टू दी पावर माइनस 11 इंटू मास निकाल दो यहां से, तो मास का मान कितना देर का, 1.67 गुना 10 टू दी पावर माइनस 27, तो 1.67 गुना 10 टू दी पावर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको और डेल्टा ई निकालना है, कौन सा ऑप्शन आएगा मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, तो आप सॉल्व करके लाइएगा, ठीक है, ध्यान रखिए, एक बार देख लो क्वेश्चन को, हिंट मैंने आपको बता दिया, 17 के पेपर के सवाल सारे अच्छे हैं, ये ध्यान रखना, 17 और 15। ये आ गया, इसको हम लोग जो है वो थोड़ी देर बाद एक्स्ट्रा क्लास में डाल देंगे, यहाँ फिर कल वाली क्लास के अंदर डिस्कस कर देंगे, अच्छे सवाल हैं ये, 2-3 सवाल आना बंद हो गया, पहले आते थे अब तो नहीं आते हैं इस तरीके से, 3-4 सवाल आपके देर के होंगे मॉड्यूल में, फिर ये प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन आया है ना, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन वैसे ही कर ले, तो ये 4-5 क्वेश्चन ही है तो कल ही करेंगे। चलो बच्चों विदा लेते हैं, आई थिंक आपको अच्छे समझ, आज थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हुआ, ठीक है ना, कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई, फोन आ गया कभी आज में, इसके लिए सॉरी बच्चों, ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिएगा, डाउट हो तो मेरे से ना टेलीग्राम पे या मेरे को कमेंट में डाल देना, मैं आपको बता, चलो बच्चों राधे राधे, ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करिए मस्ती से, ठीक है, चलो बच्चों।